मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी अपने विजन बिहार एजेंडा 2025 कार्यक्रम के तहत आज मधेपुरा पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल के रास्ते में जाप कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाकर एम्बुलेंस चोर के नारे लगाए। जब काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने नाराजबाजी करने वाले को पकड़ने के लिए खदेड़ा तो वो लोग भाग निकले। जाप नेताओं ने बताया कि कोरोना जैसे प्रलयंकारी महामारी के समय लोग मर रहे थे। बिहार के गरीब लोग एम्बुलेंस के अभाव में अपने बीमार परिजनों को अस्पताल तक नहीं ले जा पा रहे थे, लाश को साइकिल और गोद में उठाने पर मजबूर थे। पूरा बिहार एम्बुलेंस के लिए त्राहिमाम कर रहा था, लेकिन भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा 30 से ज्यादा एम्बुलेंस छुपाकर अपने घर में रखा गया था, जिसका खुलासा पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया था। वही कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने राजीव प्रताप रूढ़ी को चांदी का मुकुट और मखाना का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विजन 2025 पर बनी डॉक्यूमेंट्री को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद श्री रूढ़ी ने कहा कि आज देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ के मेहनती लोग पलायन करके देश का निर्माण कर रहे हैं। यदि इस श्रम का उपयोग सही से होता तो आज बिहार देश का विकसित राज्य होता। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता पिछड़ा को अग्रा नहीं अति पिछड़ा बनाने का नीति बनाते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो लोग आज भी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीबी से मरने वाले लोग बिहार के होते हैं और बिहार में भी मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज के लोग होते हैं। उन्होंने कहा, आप 500 किलोमीटर का बिहार में सफर कर लीजिए लेकिन आपको एक भी फैक्ट्री नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ के नेताओं ने एक फैक्ट्री जरूर बना दिया है और वो फैक्ट्री मजदूर फैक्ट्री है। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इस पिछड़ेपन के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है तो सवाल कर वो टाल कर आगे बढ़ते निकल गए। ये सब वो गरीब हैं जिनके लिए बिहार की सरकार ने पिछले 35 वर्षों से नीतियाँ बनाई, और आज ये सवाल उठ रहा है कि ये जो गरीब बिहार छोड़ के गए हैं, जो पलायन हुआ है, अगर गिनती करानी है तो इन गरीबों की कराइए जो बिहार छोड़ के गए हैं और क्यों छोड़ के गए। आज पूरे ये बड़ा सवाल है कि पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में बिहारी आगे हैं तो बिहार पिछड़ा क्यों, बड़ा सवाल है। तो क्या इसके लिए लगता है नहीं है कि केंद्र भी, सरकार भी जिम्मेवार है बिहार सरकार के साथ साथ? चलिए इस सवाल का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। कोरोना जाप नेताओं के द्वारा किए गए विरोध के बाद पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने कहा, पिछली बार एम्बुलेंस चोर के नाम से ये मशहूर हो गए थे, अब जाप नेता जब वो मधेपुरा पहुंचे तो उनका पुरजोर विरोध किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया, जिसके बाद वो लोग काला झंडा दिखाकर और एम्बुलेंस चोर कहकर भागते निकले। राजीव प्रताप जैसे निर्लज आदमी का विरोध सिर्फ मधेपुरा में ही नहीं, हम लोग के ही नहीं द्वारा, जबकि पूरे देश के लोगों के द्वारा करना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना जैसे प्रलयकारी महामारी में, जहां बिहार के लोग अपने परिजनों को एम्बुलेंस के अभाव में साइकिल से तो कभी गोदी में उठाकर मजबूर थे, लेकिन यही राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा के सांसद थे, भाजपा के सांसद थे, इनके द्वारा लगभग 30 से 50 एम्बुलेंस को अपने घरों में छुपा कर रखा गया था, जिसका उजागर हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव ने किया था। और ऐसे ही निर्लज भाजपा सांसद का हम लोग आज थोड़ा सा विरोध किए हैं और अनवरत इनका पूरे बिहार में हम लोग विरोध करते रहेंगे।